फ्रेंड्स, केम छो? मजा में छो? मजे में ही रहने चाहिए। आप लोग सब ठीक तो है ना? मैं इसलिए पूछती रहती हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों की फिक्र है। फ्रेंड्स, मेरे पुराने वीडियोस भी देखा कीजिए और स्किप मत किया कीजिए, क्योंकि कोई पॉइंट रह सकता है आपका उसमें, फिर आप ही बोलेंगे दीदी माँ वो पॉइंट नहीं था। ठीक है, ब्लैक मैजिक के मैं उपाय भी बताती हूँ। मैं टैरो कार्ड रीडिंग का कोर्स भी करवाती हूँ, वो भी मैंने पैसे कम कर दिए हैं। बहुत महंगा है, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए पैसे कम कर दिए हैं, डिस्काउंट दे दिया है। टैरो कार्ड रीडिंग का मैं कोर्स करवाती हूँ और पर्सनल रीडिंग भी मैं करवाती हूँ, उसके भी चार्जेस मैंने कम कर दिए हैं। पर्सनल हीलिंग भी मैं कराती हूँ और पर्सनल काउंसलिंग भी मैं कराती हूँ। तो जो लोग नए आए हैं, कृपा करके लाइक सब्सक्राइब ऑल बटन बेल बटन को दबा दीजिए, थैंक यू। और ये जो भी चीज़ मैंने बोली है ये पेड है, पेमेंट से है, कुछ फ्री नहीं है। ठीक है, और जिन लोगों ने मुझे अभी तक मोटिवेट किया है, एनकरेज किया, उनको बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक मेरे को पहुँचाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बुकिंग करवाइए पर्सनल रीडिंग की। तो आज क्या वीडियो मैं बताने जा रही हूँ आपको, कि ये थर्ड पार्टी बदहवास सी क्यों हो रही है, पागल सी क्यों हो रही है, क्या हो रहा है इसकी लाइफ में, थर्ड पार्टी की लाइफ में हो क्या रहा है जो ये पागल सी हो रही है, बदहवास सी हो रही है। देख लेते हैं। प्लीज़ गाइड मी एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी यूनिवर्स, कि ये थर्ड पार्टी बदहवास सी पागल सी क्यों हो रही है, क्या हो रहा है इसकी लाइफ में। सक्सेस, ट्रैवलिंग, एडवेंचर, ओहो, अबेंडेंस, प्लीज गाइड मी एंजल्स, प्लीज गाइड मी यूनिवर्स, द सोर्स, नथिंगनेस। ये देखिए, एक मिनट मैं ये अपनी ठीक कर लूँ। रिंग, द क्रिएटर, पोस्टपोनमेंट, फ्लावरिंग, वन मोर, सॉरो, यही आना चाहिए थर्ड पार्टी की लाइफ में। गोइंग विद द फ्लो बॉटम में है। अब क्लैरिफाई कर लेते हैं, दूसरे कार्ड से। प्लीज गाइड मी एंजल्स, प्लीज गाइड मी यूनिवर्स, क्यों बदहवासी हो रही है ये। किंग ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड पार्टी क्यों बदहवासी हो रही है, क्यों पागल सी हो रही है। हैंगमैन, नाइट ऑफ वैंड्स, शांत रहिए, बी कूल एंड काम, बी पॉजिटिव। एस ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वैंड्स, सेवन ऑफ वैंड्स, फाइव ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ कप्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, और बॉटम में निकला है द लवर्स। तो मैं आपको एलिमेंट बता देती हूँ और राशियाँ बता देती हूँ। फ्रेंड्स, पेंटिकल्स का कार्ड आया है क्या? हाँ आया है। अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, स्वॉर्ड्स के भी साइन आए हैं, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, वैंस के भी कार्ड आए हैं, फायर साइन एरिस सजिटेरियस लियो, कप के भी कार्ड आए हैं, कप के कार्ड आए हैं, हाँ आए हैं, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस,
टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एरीज सजिटेरियस लियो कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस फायर साइन अर्थ साइन वाटर साइन एंड एयर साइन सारे ही साइन है और सारी ही राशियां हैं। तो ये बदहवासी क्यों घूम रही है, ये थर्ड पार्टी देखते हैं, रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। ये एक्चुअली में क्या हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है इसकी हो गई है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। अब इसकी हो गई है स्पिरिचुअल अवेकनिंग, अब भगवान जी बोल रहे हैं अब तू जरा हट जा, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर से हट जा, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है, इस अवस्था में आ गई है, इस पोज में आ गई है, ये इसको भी अकल आने लग गई है धीरे धीरे, इसकी भी न्यू बिगनिंग होने लग गई है, एडवेंचर कर रही है, अबेंडेंस किसी और से लगता है कि किसी और का प्यार मिलने लगा है इसे, अबेंडेंस आ रही है, ट्रैवलिंग भी कर रही है, एडवेंचर कर रही है, सक्सेस प्राप्त हो रही है किसी चीज़ में इसे, कोई चीज़ में इसे सक्सेस मिल रही है। लेकिन इसकी लाइफ तो ऐसी है ना, नथिंगनेस, कुछ भी नहीं है, खाली है। और ये अभी जो इसको नया साथी मिला है आपके पर्सन के अलावा, गोइंग विद द फ्लो, उसके साथ एडवेंचर कर रही है, ट्रैवल कर रही है, उससे पैसा मिल रहा है, उससे नई बिगनिंग जा रही है, सक्सेस मिल रहा है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, क्रिएटिविटी हो गई है, ठीक है। तो आपके पर्सन सौरों में आ गए हैं कि ये तो चीटिंग कर रही है, थर्ड पार्टी चीटिंग कर रही है इनके साथ, ये इसका डीपी देख रहे हैं आपके पर्सन के, इसका तो किसी और से चक्कर चल रहा है, कोई और किंग ऑफ कप्स के रूप में इसे प्यार दे रहा है, अब तो बहुत गलत हो रहा है, इनके लड़ाई झगड़े हो रहे हैं फिर बहुत ज़्यादा। ये देखिए इधर भी आ गया है न्यू बिगनिंग, न्यू बिगनिंग सोच रही है ये उस नए बंदे के साथ, शादी का भी सोच रही है, लवर्स की एनर्जी सोच रही है उस बंदे के साथ, आपके पर्सन के साथ नहीं, अब कोई और नया मिल गया है इसे। तो ये बदहवास सी पागल सी हो रही है, इसको पैसा मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, एडवेंचर मिल रहा है, सक्सेस मिल रही है, इसको सब कुछ मिल रहा है उस बंदे से जो नया इसने पकड़ रखा है। आपके पर्सन ऐसे हो गए हैं भाई, धोखा मिल रहा है उन्हें, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तुम क्यों जा रही हो उसके पास, मेरे पास ही रहो। और ये बोल रही है मैं तो उसी के पास जाऊंगी, वो तो मुझे सब दे रहा है, मैं तो तुम्हें भी रखूंगी और उसे भी रखूंगी। तो वो एक्स्ट्रा खुशी में बदहवास और पागल नहीं होते, वो हो रही है, ऐसी स्थिति में आ गई है वो उस नए पार्टनर, जो उसका नया आशिक बन रहा है थर्ड पार्टी का, ऐसी हो गई है और गोइंग विद द फ्लो, मज़े कर रही है, एडवेंचर कर रही है, ट्रैवल कर रही है उसके साथ, नए वाले के साथ, ऐश कर रही है, बोलती थी कि कुछ भी नहीं है, आपके पर्सन के साथ बोलती थी कुछ भी नहीं है, खालिस्तान है, कुछ ज़िंदगी मज़े में नहीं बीत रही, तो नया पकड़ लिया उसने, अब नए बंदे के साथ है वो, अब आपका पर्सन तो लेकिन दुखी है, लेकिन वो पागल हो रही है इस खुशी में, नए वाले के पाने की खुशी में बदहवास सी हो रही है वो। तो आपको क्या करना चाहिए, मूनोलॉजी कार्ड से देख लेते हैं गाइडेंस क्या मिल रही है। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, तुम्हारे को आंसर मिलने वाले हैं जो तुम चाहते थे, तुम्हें प्रश्न, तुम अपने, मेरे व्यूअर्स तुम्हारे लिए ये गाइडेंस के, तुम प्रश्न उत्तर तो करते थे लेकिन आंसर नहीं मिलते थे, लेकिन अब आंसर मिलने वाले हैं तुम्हें अपने प्रश्नों का, ठीक है, यूनिवर्स देने वाले हैं आंसर। दो दो निकल गए कार्ड्स, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, तुम्हारे को मिलने वाले आंसर और कंक्लूजन मिलने वाला है तुम्हारे को। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, अब तुम्हें फर्स्ट मूव करना होगा, अब पीछे मत रहना, अब पहला कदम उठाना होगा तुम्हें सक्सेस की ओर। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, बहुत हाई एनर्जी में हैं आप लोग, ठीक है, बहुत स्ट्रेंथ मिल गई है आपको और बहुत हाई एनर्जी में होंगे। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, क्या रिलीज़ करना चाहिए आपको, नेगेटिविटी रिलीज करनी चाहिए मुझे तो ऐसा लगता है, पॉजिटिविटी में ही रहिएगा। और पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन, आपका पर्सनल इशू यही है कि थर्ड पार्टी में चले गए थे, आपके पर्सन वापस आएंगे कि नहीं, तो ये भी अब इसकी भी उलझन सुलझने वाली है, ठीक है, यूनिवर्स बोल रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं आपको। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, अब जो आपने सपने में सोचा है करने को, अब वो
करना शुरू कर दीजिए। टेक टाइम टू ब्रीद आउट, थोड़ा सांस लीजिए, थोड़ा पानी पीजिए, रेस्ट कीजिए, टाइम लीजिए, ब्रीद आउट करिए। ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन, प्यार ही प्यार अपने सिचुएशन में लाइए, नफरत मत लाइए, ठीक है। और देखिए आपको सेल्फ लव में और क्या करना चाहिए, सेल्फ लव के कार्ड देखते हैं और क्या करना चाहिए आपको। दो कार्ड निकल आए, बिल्ड स्ट्रेंथ, एक्सरसाइज कीजिए और स्ट्रेंथ को बिल्ड कीजिए अपने अंदर। कनेक्ट विद क्रिस्टल्स, ये मैं बोलती ही रहती हूँ, ये क्रिस्टल ब्रेसलेट्स पहनिए पहनिए पहनिए, आपको बहुत लाभकारी होंगे। म्यूजिक सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। टेक अ वॉक, वॉक करिए, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करिए, आपको अच्छा लगेगा। ये सेल्फ केयर वाली बात है, सेल्फ लव वाली बात है। ड्रिंक टी, ग्रीन टी पीजिए, अच्छा आपको अच्छा लगेगा, आपकी तबीयत अच्छी हो जाएगी। एबंडेंस प्लानिंग, कुछ बहुत पैसे वाली चीज़ें आने वाली है, उसकी आप प्लानिंग कीजिए। वॉच अ मूवी, मूवी देखिए, आपका दिल को अच्छा लगेगा। म्यूजिक सुनिए। क्लीन योर स्पेस, जहाँ आप रहते हैं वहाँ साफ सफाई कीजिए। और बॉटम में निकला है ड्रीम जनरल, सपने में कुछ सोचिए वो पूरा होगा, ठीक है। तो ये थी आज की छोटी सी रीडिंग आप लोगों के लिए। जो लोग नए आए हैं कृपा करके लाइक सब्सक्राइब ऑल बटन को दबा दीजिए, पर्सनल रीडिंग करवाइए, बुकिंग करवाइए। और बहुत लोग बुकिंग करवा रहे हैं, उनका मन शांत हो रहा है, मैंने चार्जेस कम कर दिए हैं। और मैं आपको एश्योरिटी देती हूँ, अगर मैं फ्री होंगी तो मैं उसी टाइम आपका कर दूंगी पर्सनल रीडिंग। ब्लैक मैजिक के मैं उपाय बताती हूँ, पर्सनल हीलिंग भी मैं करती हूँ, पर्सनल काउंसलिंग भी मैं करती हूँ, क्रिस्टल ब्रेसलेट्स भी मैं एक्टिवेट करके देती हूँ, और टैरो कार्ड रीडिंग का पर्सनल कोर्स भी मैं करवाती हूँ, टैरो कार्ड रीडिंग का कोर्स भी मैं करवाती हूँ बेसिक, उसके भी मैंने पैसे कम कर दिए हैं। तो ये सब चीज़ें पेमेंट से है, चार्जेज हैं इसके, फ्री कुछ भी नहीं है। और मुझे अपने ऐसे ही प्यार देते रहिएगा, बुकिंग करवाइए फ्रेंड्स। होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, कमेंट डाउन बिलो। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव। बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, आई लव यू ऑल, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।